नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विथ शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको इस बार इन सभी भर्तियों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन आप लोग कब से लेकर कब तक करेंगे और कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ से हमको नोटिफिकेशन को और ऑफलाइन आवेदन करने का अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ वेरियस सिविलियन पोस्ट। यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा ग्रुप सी का, ड्राफ्टमैन का। तो आपको यहीं से फॉर्म को डाउनलोड करना है और आवेदन भी करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आप लोगों का सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। अगर आपको वीडियो काम की लगे और आप लोग जो है तो अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पर जॉब आ चुकी है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बड़ा मौका है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और साथ ही साथ फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि जो आप लोग ऑफलाइन आवेदन करेंगे उसका कोई शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी और भी आगे बात करेंगे, तो आप लोग जो है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर की बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डाउनलोड की बटन आएगी और डाउनलोड की बटन पर क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन और डाउनलोड हो चुका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट है। नेशनल स्टेडियम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे सब साथ में आपको नेम ऑफ द पोस्ट मिल जाएगी, सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर की, लॉजिस्टिक के अंदर और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के अंदर। यहाँ पे आपको लेवल 12 में 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। इसके अलावा आप लोग यहां पे और भी कई सारी पोस्टें देख पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, अलग अलग काफ़ी सारी पोस्टें हैं। सिविलियन स्टाफ ऑफिसर की है, जहां पे 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये यहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहां पे एक और पोस्ट मिलेगी सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर की, और इसके बाद और भी पोस्टें हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें हैं, जहाँ पे आपको 9,300 रुपये से लेकर और 34,800 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें, यानी कि यूडीसी की पोस्टें, जहाँ पे 5,200 रुपये से लेकर 20,200 और 2,400 रुपये पर मंथ का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि कितनी वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 46 यानी कि 46 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और आपका यहाँ पे जो पोस्टिंग है किस जगह किया जाएगा आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म के बारे में डिटेल में जानकारी है। बायोडाटा आपको सबमिट करना होगा, ऑफलाइन आवेदन करना होगा। कैसे क्या आवेदन करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आवेदन करना काफ़ी इजी है। नेम एंड एड्रेस इन ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट एंड प्लेस यहाँ पे बताना है और भी काफ़ी सारी जानकारी इस फॉर्म को आखिरी में स्टेप बाय स्टेप भर के हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में जरूर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नई सीधी भर्ती आ चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से अर्जेंट रिक्रूटमेंट है। अगर आप लोग यहां पे मेल एंड फीमेल कैटेगरी हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 56 साल तक की मांगी गई है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, सभी राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आपको आवेदन ऑफलाइन करने होंगे। बायोडाटा के थ्रू आप आवेदन करेंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, जहां से हमको नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक मिलेगा। तो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या जानकारी आपको मिस नहीं करनी है, इसके बारे में वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहाँ पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे।
यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड सिविलियन रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए अप्लाई ऑफलाइन फॉरम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको आपको चेकआउट कर लेना है। देन इसके बाद आपको वैकेंसी डिटेल मिलेगी जहाँ पे आपको 75 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें मिलेंगी। और इसके बाद पोस्ट नेम की बात करें तो सिविलियन के अंदर सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर हो गया, सिविलियन स्टाफ ऑफिसर हो गया, सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर हो गया, सेक्शन ऑफिसर एंड अपर डिविजन क्लर्क की वैकेंसी मिल जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो डेट यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का 28 अप्रैल मिल जाएगा, यानी कि 28 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आखिरी डेट 60 डेट, यानी कि यहाँ पे 60 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एज की बात करें तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल और अधिक से अधिक 56 साल तक की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। इसके बाद बात करते हैं टुडे गवर्नमेंट जॉब टुडे के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड होगा। और इसके बाद कौन कौन से राज्यों से आप आवेदन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेतन के बारे में, तो वेतन अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर के लिए 78,800 से 2,09,200, इसके बाद सिविलियन स्टाफ ऑफिसर के लिए 67,700 से 2,08,700, इसके बाद सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर के लिए 44,900 से 1,42,400, सेक्शन ऑफिसर के लिए 9,300 से 34,800 और 4,800 रुपये का ग्रेड पे, और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 5,200 से लेकर 20,200 और 2,400 रुपये का यहाँ पे पर मंथ का ग्रेड पे भी रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन, 12th पास, डिप्लोमा और डिग्री है, तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आप लोग कैसे आवेदन करेंगे, तो आवेदन आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहां से आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करके लास्ट डेट से पहले आपको आवेदन करना है। आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू और टेस्ट के बेस पे होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ पे आपको फाइनली इंपोर्टेंट लिंक के ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आपको आवेदन के और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करना काफ़ी इजी है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड की एक बटन आएगी, और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करने के बाद आपका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। अब आप लोग इसको रीड करिए, अच्छे से रीड करने के बाद आवेदन जरूर करिएगा। कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट है, नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्टिंग और नंबर ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एजुकेशन से लेकर कैसे आप लोग आवेदन करेंगे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और जब आप लोग सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको किस पते पे सेंड करना है ये भी दे दिया गया है, बोल्ड अक्षरों में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, मेन है कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली 11001। और ये आपको कितने दिनों के अंदर भेजना होगा, 60 दिनों के अंदर इस फॉर्म को भर के सेंड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आपको बताया गया है, और यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और किस प्लेस के लिए तो यहाँ पे भी बता देना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के बाद आप लोग जो है तो इसको भर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के और भेज के दिखाऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जैसे आप लोग 300 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करेंगे आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।